नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है, मैं हूं विपुल सिंह और मनी नाइन के तमाम दर्शकों को, हेलो मनी नाइन के तमाम दर्शकों को आज़ादी से एक दिन पूर्व एडवांस में ही बहुत 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 शुभकामनाएं। हमारा देश निरंतर प्रगति करे, हमारी अर्थव्यवस्था प्रगति करे, आप लोग ढेरों मुनाफा कमाएं और हम सब तरक्की करें, इसी शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। और हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और जिस बात पे हमने शुक्रवार को चर्चा छोड़ी थी कि क्या अगले हफ्ते गिरावट गहराएगी, जी हाँ, आज स्थिति वही देखने को मिली। 19384 पे बाज़ार खुला, 19392 ये निफ्टी का इंट्राडे हाई रहा, लेकिन उसके बाद से काफ़ी तेज़ी के साथ बाज़ार नीचे आया और आज इंट्राडे कारोबार में निफ्टी ने 19300 का स्तर भी तोड़ दिया। जी हाँ, 19257 ये आज का इंट्राडे लो है। हालांकि लोअर लेवल से बाज़ार ऊपर आया है, 100 अंकों के आसपास की रिकवरी है, 19357 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। हालांकि 70 अंकों की गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 11 शेयर निफ्टी के ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं, 38 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। अब महत्वपूर्ण सवाल ये कि बाज़ार दायरे में तो है, लेकिन वो दायरा धीरे धीरे नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले हम देख रहे थे जब बाज़ार कंसोलिडेशन के मूड में रहता था तो एक कुछ दिन बढ़ा, कुछ दिन गिरा, लेकिन ओवरऑल जो दिशा होती थी वो पॉजिटिव होती थी। अब उसके विपरीत दिख रहा है। तो 19300 के नीचे निफ्टी, क्या ये गिरावट 19000 के भी नीचे जाती हुई दिखाई देगी या फिर यहाँ से एक तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिलेगा? किस तरह की रणनीति होनी चाहिए इस बाज़ार में? ये हफ्ता छोटा है तो निश्चित रूप से आज बाज़ार में दबाव क्लोजिंग साइड पे जो है वो और बढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है। क्या रणनीति होनी चाहिए, खबरों वाले शेयर कौन से हैं और वाह, क्या आईपीओ में आज कौन से आईपीओ पे चर्चा होगी? इन तमाम सवालों के जवाब अगले घंटे तक आपको मिलते रहेंगे। आप कार्यक्रम में आखिर तक बने रहिए, आपके जो प्रश्न हैं हमसे पूछते रहिए। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। संतोष जी हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं। संतोष जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका और आपको भी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत शुभकामनाएँ सर। और देश की आज़ादी का जश्न हम सब मना रहे हैं, पूरे देश में उत्सव का माहौल है। आप कैसे देख रहे हैं सर बाजार को और आने वाले समय में क्या रणनीति अपनानी चाहिए अब यहाँ पे? नमस्कार विपुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके दर्शकों को मेरे तरफ से भी स्वतंत्रता दिवस के जो है पूर्व आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा देश यूं ही दिन प्रतिदिन तरक्की करती रहे, मार्केट काफ़ी अच्छा हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। दूसरी ओर अगर हम मार्केट को देखें जो कि कुछ दिनों से जो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड जो है जिसे हम कहते हैं वो थोड़ा डाउन है, और लास्ट वीक भी जब हम आपसे बात कर रहे थे उस समय भी यही आशंका थे कि जो 19600 के जो आंकड़े थे वहां से मार्केट जो है स्लिप हुआ और उसके ऊपर जाकर केवल एक दिन क्लोजिंग आई थी, लेकिन अगर उसके बाद देखें तो बराबर हम उसके नीचे क्लोज हो रहे हैं। आज के सत्र में अभी तक जो है देखें तो निचले स्तरों से, जैसा आप ठीक बता रहे थे, काफ़ी अच्छी रिकवरी है, लेकिन वो अभी देखना होगा कि जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है डे हम किस तरह से बढ़ते हैं आगे। अगर आगे यहाँ से बढ़ते हैं और एडवांस डिक्लाइनिंग कुछ थोड़ी ठीक होती है तो मुझे लगता है कि चूंकि एक जो है मूविंग एवरेज सपोर्ट था जहाँ पर कि मार्केट ने शायद सपोर्ट लिया है तकरीबन 18290 के आसपास, वहां से एक बार मार्केट ऊपर आया है। हमको फिर से देखना होगा कि क्या ये मार्केट आने वाले टाइम पे 400 के ऊपर जाकर टिक पाता है, 19400 कहने का मतलब स्पॉट पे। अगर उसके ऊपर टिकता है तब जो है लगेगा कि रिवर्सल होगा और फिर आपके सामने जो चुनौती होगी, बड़ी चुनौती जैसा मैं पहले भी कह रहा था, वो 19600 की होगी। उसके बाद ही मार्केट में एक सैक्रोसेंट अप ट्रेंड आएगा, लेकिन 19600 तक जो है कह लें कि संकट के बादल मंडरा रहे हैं। संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 19400 पहली जो है अगर उस बाधा को आसानी से पार कर लेता है, फिर 19600 के आंकड़ों पर नजर रखिए, वो अगर मजबूती के साथ तोड़ता है निफ्टी, उसके बाद से हम ये उम्मीद करेंगे कि बाज़ार में अब तेज़ी की संभावनाएं हैं। तब तक थोड़ा सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, ये आप लोगों के लिए सलाह है। चुनिंदा शेयरों पर ही खरीदारी करें, बाज़ार पे अभी कोई बड़ी पोजीशन ना बनाए जिस तरह की उतार चढ़ाव बना हुआ है। और आज तो कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही बहुत सारे दर्शकों ने बहुत सारे प्रश्न भेजे हुए हैं। राजेश नरूला जी कह रहे हैं सर नमस्कार। नमस्कार नरूला जी, कैसे हैं आप? सुनील तिवारी जी का प्रश्न है और वो कह रहे हैं कि सर मेरे पास 10000 मार्क्सन फार्मा है, 20000 IRFC हैं 24 रुपये पे,
10,000 मार्क्सन फार्मा इन्होंने ले रखे हैं 55 रुपये पे, और भी एक दो कंपनियां इन्होंने भेजी हुई हैं, लेकिन चलिए इन दो पे हम जरा चर्चा कर लेते हैं तिवारी जी आपके लिए। मार्क्सन फार्मा सर 10,000 शेयर और IRFC के 24 के भाव पर 20,000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, तो क्वांटिटी काफ़ी अच्छी खासी इन्होंने ले रखी है। IRFC हम देख रहे हैं कि लगातार जो है बीच में तमाम खबरें रहीं जिसके चलते जो है अच्छे मोमेंटम में रहा है, आज भी 2.25% ऊपर है। 24 पे इन्होंने लिए हैं, 50 का भाव हो चुका है, तो ऑलमोस्ट डबल इनके पैसे हो चुके हैं और क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, तो अच्छे प्रॉफिट में यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। मार्क्सन फार्मा पे भी एक बार जरा नज़र डाल लेते हैं कि वहाँ पे क्या रुझान देखने को मिल रहा है। तो मार्क्सन फार्मा अगर हम देखें तो आज 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, 113.14 का भाव है, लेकिन ये भी इन्होंने 55 पे लिया हुआ है, तो आज की गिरावट के बावजूद जो है तिवारी जी जो है वो मालामाल इस समय हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सर। तो अब मुझे लगता नहीं कि इनको पूछने की कुछ आवश्यकता है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना प्रश्न भेजा है और आज़ादी के शुभ मौके पर ये अपना इतना अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, क्या मुनाफा बुक करना चाहिए? विपुल जी एक बात कहते हैं कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, मतलब जो आपके दर्शक जिन्होंने सवाल पूछा है बहुत ही अच्छे भाव पर उन्होंने स्टॉक लिए हुए हैं, तो ही नोज बेटर आई थिंक जिस तरह से उन्होंने एक्विजिशन किए हैं शेयर्स को, अच्छे शेयर चुना है उन्होंने। हाँ, अब प्रॉफिट प्रॉफिट निकल नहीं जाए केवल उस पर ध्यान रखें, और कहाँ से टर्मिनल हो सकता है कि ये यहाँ से रैली टूट जाए, तो मार्क्सन फार्मा की जहाँ तक बात है मुझे लगता है कि 105 के नीचे जाए तब आपको चिंता करनी होगी। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि 108-109 को देखें, उसके नीचे अगर चलना चालू होता है तो आप जो है टोज पे रहें और वहाँ से प्रॉफिट बुक कर लें। जहाँ तक IRFC की बात है, आज हमने काफ़ी बड़ी वोलेटिलिटी भी देखी है इस स्टॉक में। निचले स्तर पे देखें तो 44-85 हुआ था, लेकिन अभी 50 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। काफ़ी अच्छी बढ़त इन दिनों आई है और ये बढ़त निकल ना जाए, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि बाय क्लोजिंग बेसिस आपने जो गेन किया है वो निकल ना जाए। तो मुझे लगता है 46 रुपये के नीचे की अगर क्लोजिंग आती है स्टॉक में तो आपको निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट एक बार की बुक कर लें। चूंकि सरकार का फोकस काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे पे रहा है, जिसके कारण कि ये कंपनियां रेलवे के जितने स्टॉक हैं काफ़ी लाभान्वित हुए हैं और सिमिलरली ये कंपनी भी हुई है, लेकिन आपको प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो कि 46 के नीचे की क्लोजिंग आती है फिर आप करें। ये आपके लिए सलाह है सर, तो जैसा आपकी रणनीति हो वैसा आप अपना सकते हैं, लेकिन हाँ मुनाफा जरूर ये ध्यान रखें कि मुनाफा आपका सुरक्षित रहे, अच्छे रिटर्न आपको यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए जरा अगला प्रश्न ले लेते हैं, और एक दर्शक जिन्होंने हमें प्रश्न भेजा है जसवानी जी ने, और जसवानी जी कह रहे हैं कि हेलो सर, एसोसिएटेड अल्कोहल के शेयर इन्होंने लिए हुए 505 रुपये की बाइंग है, टाइम का कोई इशू नहीं है, बस कंपनी कैसी है, होल्ड कर सकते हैं या नहीं? तो अगर हम इसके शेयर प्राइस पे एसोसिएट अल्कोहल के नज़र डालें तो पिछले 6 महीने में 17-18% का रिटर्न दिया है, और एक साल की अगर बात करें तो करीब 3% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे थे सर कंपनी के, एसोसिएट अल्कोहल के कंपनी का मुनाफा जो है अगर पिछले साल से तुलना करें तो 35% के आसपास घटा है, 3 मई को रिजल्ट आए थे इसके, और आय में ज़रूर जो है करीब 22% की बढ़त देखने को मिली थी। अब इनको क्या होल्ड करना चाहिए, अभी 50 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है? देखिए पूरे अल्कोहल क्षेत्र में नतीजे थोड़े अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ये कंपनी में नतीजे जैसा कि आप बता रहे थे कि पिछले साल से गिरे हैं नतीजे, और इसमें जो चीज़ अगर देखें तो इनको मार्जिन कंप्रेशन हुआ है, सेल्स में किसी भी तरह का जो है गिरावट ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। 2022 में 513 करोड़ का से रेवेन्यू है कंपनी का, और मार्च 2023 में अगर देखें जो फाइनेंशियल ईयर एंड है तो 700 करोड़ के आसपास है, लेकिन मार्जिन कंप्रेशन देखने को मिला है। और दूसरी चीज़ जो दिख रही है कि कंपनी एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्लान कर किया है, जितनी एसेट है इनके पास उतनी ही एसेट और जोड़ने वाले हैं, तो इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ जो है एडिशन ऑफ द ग्रोथ एसेट्स होने वाली है, तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से इन्हें होल्ड करना चाहिए। और स्टॉप लॉस लेकिन जरूर रखें, क्योंकि वहां से अगर ज़्यादा नीचे अगर स्टॉक गिरता है तब आपको कहीं ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, उसके लिए मैं कहूँगा कि सुझाऊंगा कि आप एक स्टॉप लॉस 440 के नीचे का बना के रखें। कंपनी में प्रॉमिसिंग फंडामेंटल्स फॉरवर्ड लुकिंग हैं, न कि अभी हैं, क्योंकि इस साल तो काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आने वाले टाइम पर ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ एसेट जुड़ने के बाद इसमें अच्छे मुनाफा हो सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह होगी, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखें इसमें।
होल्ड करने की सलाह है, लेकिन एक जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, वरना फिर आपको कहीं नुकसान बढ़ ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। चलिए जरा कैलाश चंद अग्रवाल जी से भी काफ़ी प्रश्न आया हुआ है, उससे उनसे भी उनका प्रश्न लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा हमारे साथ रजनेश पाल जी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पाल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार और सर, कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए फरुखाबाद में क्या माहौल चल रहा है इस समय? ठीक है सर, बारिश का मौसम चल रहा है, बादल हैं। बादल हैं, चलिए अच्छी बात है, बादल तो हैं कम से कम, बारिश तो इधर हो नहीं रही है फिर से। चलिए बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? दो प्रश्न है सर। हाँ हाँ बताइए। एक सर, भारत इलेक्ट्रॉनिक 112 के भाव पे सर 200 शेयर लिए हैं। अच्छा ठीक है, 112 के भाव पे क्या करना चाहिए? हाँ, और दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न ये है कि अडानी लेना चाह रहे हैं, अडानी के शेयर, कौन सी कंपनी का सर शेयर लेना चाहिए प्रेजेंट टाइम पे अडानी के भाव पे? ठीक है, अडानी पर अभी जो है थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हमारे बजिंग स्टॉक्स का जो सेगमेंट है वो सेगमेंट देखिएगा आप, उसमें आज क्योंकि बहुत सारी अडानी ग्रुप पे आज खबरें हैं, तो उसको जरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये 112 पे आपने लिया, क्या नज़रिया क्या है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं बीईएल को आप? सर 6 महीने तक कर सकते हैं। 6 महीने होल्ड कर सकते हैं, चलिए 112 पे लिया, 130 चल रहा है, तो आप तो प्रॉफिट में ही हैं, अभी ठीक ठाक प्रॉफिट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, शेयर भी अच्छा चला है पिछले 6 महीने में, 37-38% के आसपास का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। सर क्या सलाह रहेगी आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर? इनको अभी 18 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है, 5-6 महीने और होल्ड कर सकते हैं? देखिए, जिस तरह से सरकार का जो है वो डिफेंस पे फोकस है, और एक्विजिशंस कह लें कि जितने भी हैं, प्रोक्योरमेंट, डिफेंस का प्रोक्योरमेंट फोकस है कि मोस्टली इंडिजिनियसली हो, मतलब जो भारत की कंपनियां हैं उसके थ्रू किया जाए, तो उसकी जो है वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी है ये कंपनी। तो मैं कहूँगा कि आप होल्ड करें, ये शेयर जो है हम लोग के पोर्टफोलियो में भी है। मुझे लगता है कि इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर रखें कहीं ना कहीं, कि क्योंकि गिरे अगर तो आपके लॉस ना हो ज़्यादा, तो मैं कहूँगा बाय क्लोजिंग बेसिस 122 रुपया स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें, अदरवाइज राइड द टाइड करें। और जिस तरह से फोकस है सरकार का और जितने ऑर्डर बुक स्वेल हो रहे हैं इन सारी कंपनियों के, ये कंपनी भी उससे अछूती नहीं है और अच्छे मुनाफा आने वाले टाइम पे हो सकते हैं इसमें, तो अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे। सर अभी शेयर चल रहा है, चलने दीजिए, हाँ एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए 122 रुपये का, ताकि मतलब जो है आपका जो मुनाफा है वो ऐसा ना हो कि पूरे का पूरा समाप्त हो जाए, तो आप जैसा चल रहा है चलने दीजिए, होल्ड करके रखिए, ये आपके लिए सलाह है। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं, और अभी हमारे साथ अग्रवाल जी ने प्रश्न पूछा था, और वो कह रहे हैं हुडको के शेयर इन्होंने 2 साल पहले लिए हुए हैं, 78 रुपये के भाव पे 2100 शेयर इनके पास हैं, अभी जानना चाह रहे हैं कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो हुडको की अगर बात करें सर, इन्होंने लिया हुआ है 78 रुपये के भाव पे, और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो है 66 रुपये के आसपास का, तो अभी 10-12 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है, पिछले एक महीने में करीब 12% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है, और पिछले 6 महीने में शेयर ने करीब 48% का रिटर्न दिया है, लेकिन फिर भी इनके खरीद भाव से अभी 10-12 रुपये नीचे है, थोड़ा इनके ऊपर की खरीद है, आपकी सलाह क्या रहेगी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ऊपर? देखिए, हुडको ने काफ़ी रिकवर किया है फंडामेंटली अगर देखें नंबर्स के लिहाज से, लास्ट क्वार्टर के नंबर थोड़े डिसअपॉइंटिंग जरूर रहे हैं प्रीवियस क्वार्टर मार्च के क्वार्टर से, सो अदरवाइज अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो थोड़ी बढ़त ही है, लेकिन ओवरऑल अगर हम LTM बेसिस पे देखेंगे, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे अगर देखें, तो लास्ट ईयर 1700 करोड़ कंपनी कमाई थी, इस बार 1735 करोड़ है, मोमेंटम ऊपर की तरफ है, लेकिन ये ध्यान रहे कि लास्ट के 2 सालों में कंपनी का मुनाफा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। दूसरी चीज़ ये है कि वैल्यूएशन महंगे नहीं है, तो आप ऐसी चीज़ होल्ड कर रहे हैं जो कि महंगा नहीं है, रिलेटिवली सस्ता है, और बुक वैल्यू की बात कर लें अगर तो 77 रुपये के आसपास है, और बुक वैल्यू से डिस्काउंट पे ये चीज़ें मिल रही हैं बहुत कम, और सरकारी कंपनियों में ही प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वो बुक वैल्यू से कम में ट्रेड होती हैं, और अगर कंपनी के फंडामेंटल थोड़े से पिकअप करते हैं तो वो बुक वैल्यू के ऊपर चला जाता है और उसके कुछ टाइम्स पे ट्रेड होने लगता है। मुझे लगता है कि होल्ड कर लें, क्योंकि आपने ऑलरेडी काफी दिनों से होल्ड किया हुआ है, 64 रुपये काफी अहम लेवल मुझे दिख रहे हैं चार्ट पे, उसके नीचे जाएगा तब इसमें दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज होल्ड करने की सलाह होगी। होल्ड करने की सलाह सर आपके लिए है। इस बीच जो है काफ़ी सारे दर्शक और जुड़ रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं नमस्कार सर जी, नमस्कार, अभी आपका प्रश्न लेते हैं परशुराम जी, थोड़ा हमारे साथ एक दर्शक फिर से जुड़ गए हैं, जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर, मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहित जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी।
कैसे हैं मोहित, कहाँ से बोल रहे हैं? बड़ी जी, बड़ी जी, मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? जी मेरे पास विंडलेस बायोटेक है, 75 कौन क्वांटिटी है, कौन 386 की बाइंग है। अच्छा, कौन सा बताया आपने, विंडलेस बायोटेक? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो 1 साल के लिए रख सकता हूँ? 1 साल के लिए रख सकते हैं आप। 386 की खरीद है आपकी और 75 रुपये पे आपने 75 शेयर लिए हुए हैं। चलिए अभी आपको 5-6 रुपये मिल रहे हैं यहाँ पर, और आप क्या कह रहे हैं, 1 साल होल्ड कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अच्छा मूव देखने को मिला है सर विंडलेस बायोटेक में। करीब 6 महीने में ही 53-54% चल चुका है ये शेयर। 1 साल ये होल्ड कर सकते हैं, और अभी अगर हम देखें तो इनको 6 रुपये पर शेयर का मुनाफा हो रहा है। एक तरफा रैली यहाँ पर देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में, तो हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है शेयर के अंदर। अभी क्या करना चाहिए? कंपनी के रिजल्ट्स जो है वो हमने देखा था कि अच्छे रहे थे, और उसके बाद से तेज़ी थोड़ी सी और बढ़ती हुई दिखाई दी थी। आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, जिस सेगमेंट में है विंडलेस बायोटेक, जैसे CDMO सेगमेंट कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो है डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग में है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज वहाँ पर उतना अच्छा नहीं किए हैं, रिलेटिवली ये कंपनी थोड़ी अच्छी की है। तो मुझे लग रहा है कि आप होल्ड कर लें, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और आपको मोमेंटम काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, होल्ड करने की सलाह होगी। क्योंकि कंपनी धीरे धीरे जो है बहुत ही स्लो एंड स्टेडी लिहाज से अपने ग्रोथ एसेट्स में पैसे धीरे धीरे डाल रही है, जो भी कंपनी का की कमाई हो रही है उसको धीरे धीरे इन्होंने अपने ग्रोथ एसेट्स में डाल रहे हैं। और कंपनी के फंडामेंटल्स को अगर देख लें तो डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, रिलेटिवली रिजनेबली वैल्यूड कंपनी है, तो होल्ड करने की सलाह होगी इसमें। होल्ड करने की सलाह रहेगी। इस बीच अनुज वर्मा जी ने एक प्रश्न पूछा है, और अनुज जी जानना ये चाह रहे हैं सर कि SCL टेक और डॉलर इंडस्ट्रीज में क्या करंट लेवल पर खरीदारी कर सकते हैं। IT शेयरों पे सर काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि शायद अब चलना शुरू होंगे, अब चलना शुरू होंगे, और इस उम्मीद में लोग लोअर लेवल पर खरीदारी करना चाह रहे हैं। आज अगर SCL टेक की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 1 महीने में करीब 2% के आसपास का रिटर्न रहा है, 6 महीने में 4%। अभी क्या करना चाहिए IT पे आपका व्यू, और खासतौर से SCL टेक पे जो कि ये खरीदारी करना चाह रहे हैं? और डेफिनेटली जो है अगर इस मार्केट में देखेंगे कि कहाँ पर रिलेटिव पोजीशंस बनाई जाए, तो वो एक कहीं ना कहीं IT लगता है कि IT एक सेक्टर है जो कि इस पूरी रैली में जो है पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्योंकि जो इनका टारगेट मार्केट है, कहने की रीजन है, वहाँ पर तथाकथित मंदी चल रही है, US की बात कर लें, यूरोप की बात कर लें, तो जिसके कारण कि ये कंपनियों में पिकअप देखने को नहीं मिला है आने वाले टाइम पे। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिनों तक ये नहीं रहने वाला है, US या यूरोपियन इकोनॉमीज कवर करेंगी, हो सकता है कि विद लैग करें, 6 महीने से 12 महीने लग सकते हैं, लेकिन जब सेक्टर की न्यूज़ ख़राब हो, कंपनियां अच्छी हो, तो आपको पोजीशंस बनाई जानी चाहिए, बाय एंड लार्ज मेरा ये व्यू है। लेकिन दो चीज़ें आप ध्यान रखें कि ग्रोथ कहाँ ज़्यादा आ सकती है, तो इसमें जो मिड सेगमेंट की IT कंपनीज हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटी साइज ज़्यादा होगी। ऑल्दो अगर रिलेटिवली सेफर कैपिटल की बात करें तो डेफिनेटली बड़ी कंपनियां अच्छी होती हैं, जहाँ पर कि आपको रिलेटिवली एक सेफ्टी ऑफ योर कैपिटल मिलता है, लेकिन रिटर्न ऑन योर कैपिटल और रिस्क के लिहाज से अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि छोटी कंपनियां, रिलेटिवली जो छोटी कंपनियां हैं वहाँ पर पोजिशंस अगर आप बनाते हैं तो आपको पैसा ज़्यादा बनता है, तो उस लिहाज से आप वहाँ पर पोजिशंस करें। प्रोडक्ट सेगमेंट की कंपनियों मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, जहाँ पर ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो सकता है, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं, LTTS जैसी कंपनी है या KPIT जैसी कंपनी, और तो थोड़ी रिजनेबली ओवर वैल्यूड हैं ये कंपनियाँ, लेकिन अगर आपको निचले स्तरों पर मिलती है, टाटा एलेक्सा जैसी कंपनी है जो कि ऑटोमेशन, रोबोटिक ऑटोमेशन और तमाम तरह की चीज़ों में काम करती हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक अच्छी जो है पोजीशंस हो सकती है आने वाले टाइम पे रिटर्न रेट के लिहाज से। हाँ, जहाँ तक सेफ्टी ऑफ कैपिटल की बात है, डेफिनेटली आपकी बड़े आपको बड़ी कंपनियाँ देखनी चाहिए, उसमें मुझे लगता है कि अमंग द थ्री जो कि लार्जेस्ट कंपनी है, TCS, इंफोसिस, SCLTech रिलेटिवली काफ़ी अच्छा किया है, नंबर्स अच्छे रहे हैं, TCS के भी रहे हैं, तो थोड़ा अगर आप चाहें सेफ्टी के लिए लिहाज से कर सकते हैं, अदरवाइज मिड कैप IT मुझे लगता है कि वो एक जगह है जहां पर पैसे लगाने चाहिए।
मिड कैप आईटी में पैसे लगाने चाहिए। इस बीच परशुराम सिंह जी कह रहे हैं कि सर वेदांता के 700 शेयर हैं, 241 के भाव पर लिया है, अभी क्या करना है। अंशुल प्रताप सिंह भी पूछ रहे हैं कि सर प्लीज लेट मी नो अबाउट वेदांता, उन्होंने 262 रुपए पे लिए हुए हैं। 241, 262, वेदांता पे दो सवाल आए हुए हैं परशुराम जी और अंशुल जी के। अभी सर क्या कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये डिविडेंड तो कंपनी देने वाली है लेकिन ये एक महीने में 18% टूट गया। काफ़ी सारी खबरें यहाँ पर हम देखते हैं और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब पूरा मार्केट चल रहा है, ये 6 महीने में 25-26% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, अभी क्या करना चाहिए सर इनको, अभी दोनों लोग नुकसान पे हैं। देखिए नुकसान पे हैं, कंपनी ठीक है, केवल कंपनी का जो कॉपर प्लांट था, जो कि कॉपर में इतनी बड़ी तेजी आई, उसका कुछ लाभ कंपनी को नहीं मिल पाया। कंपनी के पास जो जिंक के असेट्स हैं, जो हिंदुस्तान जिंक के रूप में इनके पास हैं, उसमें काफ़ी तेजी रही है इन दिनों, और उसी को राइड एंड टाइड किया है कंपनी ने। सेसा गोवा जैसी कंपनी है, इसके अंदर जैसे माइनिंग्स के काफ़ी फायदे मिले हैं इनको। लेकिन कुछ खबरों के कारण जो है, मुझे लगता है कि अगर मैं मुझे खुद लेना होता तो मैं इसे अवॉइड करूंगा एटलीस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम लेने के लिए। और मुझे वेदांता, आप समझिए कि मैंने तब लिया था जब वेदांता की कंपनी डिलिस्ट करने वाली थी, और उस समय लिया, फिर हमने अपॉर्चुनिस्ट होकर लिया था। उस समय 100 रुपये के भाव चल रहे थे, और LIC ने मना कर दिया था उस समय कि इस वैल्यूएशन पे डिलिस्ट नहीं करेंगे, और उनकी नामंजूरी के कारण इनकी डिलिस्टिंग जो भी लेके आए थे फेल हो गया था। रिलेटिव वैल्यूएशंस तो थोड़े से एग्जेजरेटिव हैं मुझे लगता है, लेकिन कंपनी वाइज अगर देखें, डिविडेंड को नहीं देखना चाहिए आपको कभी भी। कंपनी में जब आप निवेश करते हैं, आपको बिजनेस देखने चाहिए कि आने वाले टाइम पे बिजनेस कितना अच्छा कर सकता है। डिविडेंड इसलिए ये कंपनी देती है, अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि इनकी पैरेंट कंपनी जो है वो काफ़ी ट्रबल में है, या फिर डेट रिडन है, और जिसके कारण कि इनको कैश चाहिए होता है, तो डिविडेंड देने से प्रमोटर के पास भी उतना पैसा चला जाता है, जिसको कि वो यूटिलाइज कर लेते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ इश्यूज रहे हैं, जिसके कारण कि बार बार, जैसे हिंदुस्तान जिंक को ये मर्ज करना चाहते थे, इस कंपनी में सरकार ने काफ़ी जो है इनको डांट लगाई, और इसके खिलाफ गए, और इनका जो है वापस किया, इन्होंने वापस ले लिया कि इसको मर्ज नहीं करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके कारण कि मैं थोड़ी दूरी बना के रखता हूँ इस कंपनी से। हाँ, थ्रो अवे प्राइस पे मिलता है तो डेफिनेटली तब जो है रिलेटिव वैल्यूएशंस में लेना चाहिए, लेकिन मैं इस भाव पे भी इस कंपनी में निवेश करने की इच्छा नहीं रखता हूँ। ठीक, चलिए सुमित जी हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं, सुमित भसीन जी। सुमित जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं सर? दिल्ली से सर। दिल्ली से ही बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं सुमित आप? सर MNC में जॉब करता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था, मेरे पास मैक्स हेल्थ केयर के 180 शेयर है, 550 के प्राइस पे। अच्छा तो अच्छा। मेरा नेक्स्ट मंथ का टारगेट इसका, और सेकंड क्वेश्चन है सर, मैं SBI में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसका एंट्री पॉइंट क्या होगा सर? अच्छा, और ये कितने दिन के लिए पैसे लगाना चाह रहे हैं आप? 1 से 2 महीने का टारगेट है सर। 1 से 2 महीने का टारगेट है। मैक्स हेल्थ केयर में से आप अगले महीने निकलना चाह रहे हैं, आपने 550 पे लिया हुआ है ना? जी सर। चलिए आज 1.5% के आसपास की गिरावट है, लेकिन अब अगले महीने तक आपका भाव आ पाएगा ये कहना थोड़ा इसलिए मुश्किल है क्योंकि बाजार की भी स्थिति जो है वो बहुत अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। शेयर अच्छा चला, ऊपरी स्तरों से जो है नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, पिछले 1 महीने में ही ये 13% के आसपास टूट गया है। पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह दे रहे हैं संतोष जी। संतोष जी, एक तो ये SBI में एंट्री लेना चाह रहे हैं और दूसरा मैक्स हेल्थ केयर में इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं 550 के भाव पर, और अगले महीने यहाँ से ये एग्जिट करना चाह रहे हैं, एग्जिट करना सही रहेगा? इन्होंने पहली कंपनी SBI के बारे में बात की शायद। एक SBI ये लेना चाह रहे हैं, किस लेवल पर एंट्री करनी चाहिए ये जानना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये मौजूदा जो लेवल है, यहाँ से आपको चालू कर देना चाहिए लेने के लिए, क्योंकि नंबर्स के लिहाज से काफी अच्छे दिख रहे थे नंबर्स इस बार भी। केवल थोड़ी सी चीज दिक्कत देखने को मिली, जिसमें कि आप देखें कि इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो थोड़ा श्रिंक हुआ था। अदरवाइज अगर आप देखें, इनके लोन ग्रोथ में काफी अच्छी बढ़ोतरी है, लास्ट ईयर से लेकर अभी तक जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 16% के आसपास जो है ग्रोथ किया है कंपनी ने, और इतनी बड़ी एसेट पे 16% ग्रोथ इज नॉट अ मैटर जोक। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा करेक्शन भी इनको मिल गया, तकरीबन रिजल्ट आया उसके बाद से 60 रुपये, मतलब 10% के आसपास
कंपनी के भाव करेक्ट हो चुके हैं स्टॉक प्राइस में, तो यहाँ से इनको चालू कर देना चाहिए लेना, धीरे धीरे 10% लें, और गिरता है तो आपको एड ऑन करना चाहिए। अच्छी कंपनी है और प्रॉस्पेक्ट्स आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे हैं स्टॉक में। दूसरी ये कंपनी मैक्स हेल्थ केयर, जी, मैक्स हेल्थ केयर के इन्होंने 550 पे शेयर खरीदे हुए हैं, अभी अगर देखा जाए तो नुकसान में है, लेकिन अगले महीने ही निकलना चाह रहे हैं ये। मैक्स हेल्थ केयर में देखिए जो दिख रहा है कि स्टेगनेंसी ऑफ प्रॉफिट दिख रही है कि लास्ट के 2-3 क्वार्टर में जो है स्टैगनेट कर रहे हैं यहाँ प्रॉफिट, जिसके कारण कि मार्केट जो है लाइक नहीं करता उन चीज़ों को जहाँ पर ग्रोथ कम होती है और वैल्यूएशन आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखें और उसमें मुझे लगता है कि इसके कारण ही आप देखें स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हुई है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा अगर ऊपर जाता है स्टॉक तो आपको एग्जिट और राइज की स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए इसमें। ठीक, तो उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इस बीच विनीत जी का प्रश्न ले लेते हैं। विनीत जी कह रहे हैं कि जोमैटो के ऊपर इनका प्रश्न है, और इस बीच VEEE करके एक दर्शक हमारे हैं, इन्होंने अपनी बनाई हुई है आईडी, नाम इन्होंने लिखा नहीं है। SBI और एशियन पेंट्स पे आपका सवाल था सर, तो SBI का उत्तर आपको मिल चुका होगा कि अभी आप एंट्री कर सकते हैं। विनीत कुलकर्णी जोमैटो के बारे में जानना चाह रहे हैं। वो जोमैटो इन्होंने लिए रखा है 155 के भाव पर, अच्छा, और 100 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। जोमेटो में अच्छी तेजी है, लेकिन जो भाव पे आपने लिया हुआ है वो तो अभी दिल्ली बहुत दूर है सर, तो अब क्या ही किया जाए अब। लेकिन हाँ, इन्होंने ये दिखा हुआ है सर कि 15 साल का नज़रिया है, तो ये अच्छी बात है कि इन्होंने, इनके अंदर धैर्य काफ़ी है और जोमेटो में ही बनी रहना चाहते हैं 15 साल तक। अभी देखें तो शानदार मूव देखने को मिला है पिछले कुछ महीनों के अंदर, नतीजे अच्छे रहे हैं। 6 महीने में 84% शेयर चल चुका है। इनके भाव तक पहुँचने के लिए अभी ठीक ठाक दूरी तय करनी बाकी है, आपकी राय? देखिए नंबर्स के लिहाज से हम देखें, वैल्यूएशंस देख लें तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रपोजिशंस नहीं लगता मुझे। हाँ इस क्वार्टर में जो है जो चीज़ दिखी थी कि कंपनी नेट प्रॉफिट लेवल पे पॉजिटिव हुई थी, 2 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया था, और मुझे लगता है कि और वैल्यूएशन 2 करोड़ की प्रॉफिट पे 80,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन इनको दिया जा रहा है मार्केट के द्वारा। इसका मतलब है कि ऑप्टिमिज्म बहुत ज़्यादा बिल्टअप ऑलरेडी इसमें है, और इनके प्राइस मुझे लगता है कि अगर एक्सट्रीम बुल के सिनेरियो मार्केट में होता है तो शायद जो है इनके उनको प्राइस मिल जाए। लेकिन उससे पहले ये देखना काफ़ी ज़रूरी होगा कि ये जो डिलीवरी करते हैं उसमें जो है पर यूनिट डिलीवरी पे अगर मार्जिन इनकी बढ़ती है तभी जो है बिजनेस वायबिलिटी की तरफ जाता है कि ये बिजनेस वायबल होगा। अदरवाइज बहुत दिनों से ये कंपनी कैश बर्न कर रही है, ऑपरेशनल लेवल पे इवन प्रॉफिट नहीं है कंपनी को, तो ऐसी जगह उम्मीद लगाना कि हम जो है पॉजिटिव हो जाएंगे, डेफिनेटली कोई भी बिजनेस कभी भी टर्न अराउंड हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पर यूनिट लेवल पे आप हर क्वार्टर पे इनके रिजल्ट्स को देखें, पर यूनिट जो है जो डिलीवरी मैन होता है जब वो डिलीवरी लेके जाता है उस यूनिट पे अगर इनको प्रॉफिट आना चालू हो जाती है, सब्सटैंशियल प्रॉफिट अगर आ रही हो तभी जो है ये कंपनी में वैल्यू मतलब पैसे कमाने चालू करेंगे। लेकिन उन सारी कमाई को एक हद तक की कमाई को ऑलरेडी मार्केट फैक्टर करके 80,000 करोड़ का वैल्यूएशन दे रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एंटाइस नहीं करता ये बिजनेस मॉडल। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि आप वेट कर लो थोड़ा, मार्केट अभी ठीक है, हो सकता है कि प्राइस जो है कम से कम लॉस में आपको निकलना चाहिए। ठीक, इस बीच प्रतिमा कुमारी जी की टिप्पणी आई है, करें नमस्ते। नमस्कार प्रतिमा जी, कैसी हैं आप? करें टाटा पावर पे सर अभी क्या करना चाहिए, तो टाटा पावर को लेकर के सर इनका प्रश्न है। और साथ ही ये कह रहे हैं कि विपुल सर संतोष जी को ब्लैक कॉफ़ी पिलाएं, तो जब संतोष जी से मुलाकात होगी तो उनको पिला देंगे, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है ये अवश्य आप टिप्पणी करके बताइए कि आखिर में ब्लैक कॉफ़ी क्यों पिलाई जाए। तो आप जब जैसे आपकी टिप्पणी आएगी तो मैं अपने दर्शकों को और संतोष जी को भी बता दूंगा। तो सर ये टाटा पावर पे जानना चाहिए कि जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, आपकी राय सर? देखिए टाटा पावर के नतीजे जो थे इस क्वार्टर में अच्छे थे और कंपनी की जो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट देखा गया उसमें भी कंपनी काफ़ी बुलिश है आने वाले टाइम पे, और जिस तरह से कंपनी बात कर रही है कि जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस है और उसमें एक सब्सटेंशियल पोर्शन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बात कह रही है कि आने वाले सालों में 2030 तक जो है वो काफ़ी बड़ा एक पोर्शन होगा, तकरीबन 500 GW रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस होगा कि हम अपनी कैपेसिटी उतनी बिल्ट अप कर लें, और उस कैपेसिटी बिल्टअप में टाटा पावर भी
जो है एक बड़ा पाए रखने की जो है वो कवायद कर रहे हैं लोग। मुझे लगता है कि मौजूदा स्तर पे अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। आने वाले दिनों में अगर कहीं भी मार्केट करेक्ट होता है और आपको 200 रुपए के नीचे भी मिलता है तो मुझे लगता है कि ऐड करना चाहिए, गिवन द काइंड ऑफ लेगेसी जो है कंपनी के पास जो है और जो नो आउ है इस सेक्टर में। और ये जो है अभी से ऑलरेडी चालू कर चुके हैं, जो पैनल बनता है सोलर पैनल उसमें काफ़ी काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन में काफ़ी काम कर रहे हैं कंपनी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है काफ़ी प्रॉमिसिंग फ्यूचर है इस कंपनी का, और आपको कभी भी मिले घटे भाव पे आपको एक्युमुलेट करना चाहिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे खास सेगमेंट बजिंग स्टॉक्स का रुख करते हैं, जहाँ पे बहुत सारी खबरें हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक दर्शक आए थे, वो कह रहे थे अदानी समूह को लेकर के उनका सवाल था, तो आगाज़ अदानी समूह के साथ ही करते हैं। और अच्छी खासी पिटाई आज देखने को मिल रही है। बजिंग में हम अक्सर ऐसे शेयरों पर चर्चा करते हैं जहाँ पर कुछ खबरों के चलते मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आज अदानी के 10 में से 10 शेयर वो इस समय लाल निशान में है। आज आपको बताएं कि सुबह इस तरह की खबरें थीं और किसी भी आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट कर सकता है, लेकिन उसमें अपडेट आ गया है। ये अपडेट आपको ग्राफिक्स में नहीं दिखाई दे रहा है कि सेबी ने फिर से 15 दिन का समय मांगा है, और सेबी की तरफ से ये कहा गया है कि 24 मामलों की 24 ट्रांजेक्शन की वो जाँच कर रहा है, जिसमें कि 17 जाँचें जो है, 17 इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरे हो चुके हैं। बाकी के जो है, जो 7 मामले हैं उसके लिए जो है कुछ एक बाहर के एक्सचेंजेस हैं, उनके उनकी उनको मंजूरी चाहिए होगी, तो उसके लिए उन्होंने ये समय मांगा है। 29 अगस्त को अब इस मामले की सुनवाई होगी। और ये आपको बता दें कि ये पूरी रिपोर्ट जो जांच हो रही है वो पोर्ट, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबार में जो विदेशी निवेश को लेकर के सवाल उठाए गए थे उसको लेकर के चल रही है। इस बीच एक और निगेटिव खबर जो रही शुक्रवार को आई, पिछले शुक्रवार को, कि डेलॉयट ने अदानी पोर्ट के ऑडिटर पद से इस्तीफा दे दिया। जब लगता है कि अदानी ग्रुप पर जो है अब थोड़े से ग्रह मेहरबान हो रहे हैं और चीज़ें हो सकता है अब सकारात्मक होती हुई दिखाई देती हैं, नतीजे अच्छे आ रहे थे तमाम कंपनियों के, हमने नतीजे देखे, उम्मीद से बेहतर नतीजे रहे, शेयरों में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी बीच अब ये दो खबरें ऐसी हैं जो कि कंपनी के लिए काफ़ी नकारात्मक है। एक तो डेलॉयट ने कुछ आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अदानी समूह की तरफ से सर उसको इनकार किया गया है। सेबी ने फिर से 15 दिन का समय मांगा है और 29 अगस्त को अब जो है ये पूरी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, और तब तक जो है ये पूरा मामला जो है, और डेलॉयट का इस्तीफा, आप कैसे देख रहे हैं अदानी समूह को? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो अडानी समूह में अभी डेलॉयट जो कि उनके ऑडिटर हैं, हम कभी भी ये देखते हैं कि ऑडिटर का कमेंट अगर किसी भी कंपनी के लिए कुछ भी आता है तो वो और उनके फेवर में नहीं अगर है कंपनी के तो वो एक तरह से नेगेटिव देखा जाता है। लेकिन अगर इस बार देखें विपुल जी तो ये थोड़ी सी स्टोरी थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जो इनके ऑडिटर हैं डेलॉयट वो मांग कर रहे हैं कि इसमें एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन जो है वो कमेटी, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कमेटी बनाई जाए और उसके द्वारा जांच किया जाए। और दूसरी तरफ कंपनी कहती है कि ये आपके दायरे में नहीं है, मतलब ये ऑडिटर का ये काम नहीं है, और ऑडिटर किसी भी तरह से इस तरह का जो है संदेश कह लें या इस तरह का ऑर्डर किसी भी कंपनी को नहीं दे सकता है। तो ये काफी हद तक रैशनल लगता है कि आपने ऑडिट करनी है, आप अपने ऑडिट पर अगर कुछ चीजें गलत आपको मिलती हैं आप उसको रिपोर्ट करो, ना कि आप इस बात की कवायद करो कि चूंकि यूएस की एक रिसर्च फर्म ने जो है आपके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए थे तो आप कह रहे हैं कि आप अपनी कंपनी का इंडिपेंडेंट एक जांच कराओ। तो मुझे लगता है कि शायद इनके परव्यू के बाहर है, और ये मैं इस बात से सहमत हूँ कंपनी के कि ऑडिटर्स को अपनी अगर कोई भी चीज उनको अपने जांच के दायरे में या फिर वो जब कभी भी ऑडिट कर रहे हैं कंपनी की उसमें अगर कुछ मिलता है तो डेफिनेटली आपको पॉइंट आउट करना चाहिए जो कि नहीं किया इन्होंने। और दूसरी बात कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये उतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बट सेंटिमेंटल जरूर डेफिनेटली मार्केट लेता है कि एक किसी भी ऑडिटर का तुरंत छोड़ के चला जाना किसी कंपनी से कहीं ना कहीं रेड फ्लैग होता है। लेकिन जिस बात की कवायद की गई अगर उस बात को देखें तो वो उतना बड़ा नहीं है मुद्दा। हाँ, अगर कोई और बात आती है लेटर ऑन, अगर कोई चीजें आती हैं फोरे पे ऊपर उभर कर आती हैं तब हो सकता है कि डेफिनेटली हो, लेकिन जिस बात पर वो जा रहे हैं मुझे लगता है कि उतना रैशनल नहीं होना चाहिए। और जो जांच की बात से भी कि आप कह रहे थे कि अब जितनी भी देरी होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि क्योंकि क्लैरिटी होनी चाहिए, मार्केट चाहता है कि उसको क्लैरिटी होनी चाहिए आने वाले टाइम पे, तो क्लैरिटी नहीं होने के कारण और ऑडिटर का चला जाना
थोड़ा सेंटिमेंटल डेफिनेटली नेगेटिव है ग्रुप के लिए। ठीक, इस बीच सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो सवाल आ रहे हैं वो ये कि अदानी में पैसे लगाएं या ना लगाएं, और दूसरा अगर लगाने हो तो किस कंपनी में लगाएं। और भी कई सारे अदानी ग्रुप पे सवाल आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि सभी दर्शकों को आप अगर बता सकें क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है या नहीं। देखिए, अदानी ग्रुप में जहाँ पर कि जहाँ मुझे दिखता है, जो कि मेरे एटलीस्ट जितनी जानकारी है, जितनी समझ है, उसके लिहाज से जिनके डेलॉयट छोड़ के गए हैं, थोड़ा रुक जाएं अगर उसमें, क्योंकि ये कंपनी पूरे ग्रुप की कैश काउ कंपनी है, इनके पास इंडिया के जितने पोर्ट हैं वो हैं इनके अंदर में, थोड़ा डेट हाई है, बट चूंकि इनके पास एसेट्स इतनी बड़ी बड़ी हैं तो इसका बिजनेस आने वाले टाइम पे अच्छा करेगा। और चूंकि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब होने वाला है तो एक्टिविटी ऑन द पोर्ट काफ़ी बढ़ने वाली है, जिसके कारण कि ये बिजनेस इनको काफ़ी मुनाफा देगा। दूसरा जो इनका बिजनेस था, एक्विजिशन जो किया था थोड़े दिन पहले इन्होंने ACC और अंबुजा का, मुझे लगता है उसमें अंबुजा सीमेंट एक कंपनी है जो कि रिजनेबली वैल्यूएशन मुझे दिखते हैं कि जहाँ पर कि हैं, और अपॉर्चुनिटी साइज जिस तरह की है वो एक कंपनी अच्छी लगती है। दूसरी कंपनी के बारे में देखें तो AWL है, अडानी वल्मर है, जिसमें कि अडानी शायद उससे निकलना चाहते हैं, तो ये कंपनी को देखा जा सकता है। ये तीन चार कंपनियां हैं जहां पर कि पूरे ग्रुप में मुझे लगता है कि रीजनेबली वैल्यूड और एक विजिबल फोर्सिबल जो है फंडामेंटल्स दिखते हैं। ठीक है, ये चार कंपनी, तीन चार कंपनियां जो हैं वो अच्छी लग रही हैं। तो जितने भी दर्शक अदानी समूह पर सवाल पूछ रहे हैं खरीदारी को लेकर के, उनके लिए सलाह यही है, इन 10 कंपनियों में से जो अदानी की हैं उसमें अंबुजा सीमेंट, अदानी विल्मर, अदानी पोर्ट, ये तीन कंपनियां जो हैं संतोष जी को अच्छी लगती हैं, तो आप अगर वहां चाहें तो वहां पर गिरावट में आप खरीदारी कर सकते हैं, ये फिलहाल सलाह निकल करके आ रही है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए, और यहाँ पर भी खबरें हैं कोचिन शिपयार्ड को लेकर के। कोचिन शिपयार्ड पे खबर है कि कंपनी के जो नतीजे आए हैं, अब ज़्यादातर जो है बजिंग स्टॉक्स में आज हम नतीजे वाले शेयरों को ही डिस्कस करेंगे। कंपनी का मुनाफा 42 करोड़ से बढ़ करके 98 करोड़ हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट जो है 2 गुने से ज़्यादा कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। कंपनी की आय हालांकि 7-8% ही बढ़ी है, और कंपनी के शानदार रिजल्ट्स के चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और 6 महीने में आपको बता दें 36% और 1 साल में 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, तो शानदार तेज़ी देखने को मिली है सर कोचिन शिपयार्ड के अंदर। अभी क्या करना चाहिए कोचिन शिपयार्ड में, अभी भी 6.25% ऊपर है, शानदार तेज़ी आज देखने को मिल रही है, अभी भी इन लेवल्स से और भी खरीदारी की जा सकती है, आपको लगता है काफ़ी रैली आ गई है, थोड़ा वेट करना चाहिए? डेफिनेटली वेट कर लें, क्योंकि मार्केट भी कहने के थोड़ा डाइसी हो रखा है, तो आपको वेट करेंगे तो शायद आपको प्राइस नीचे मिल जाए। और थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि डिफेंस के बारे में, और इसमें इस कंपनी में भी ऑर्डर काफ़ी स्वेल कर रहे हैं सरकार के द्वारा, जो है सारी कंपनियों में जो कि डिफेंस रिलेटेड हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा अगर वेट कर लें तो आपको अच्छे स्तर पर मिलेगा। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं दिख रहा मुझे ये कंपनी, 26 के मल्टीपल पे है, पी मल्टीपल पे देखें तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन तो नहीं है, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा करेक्ट करता है तो आपको और सस्ता मिल सकता है। लेना है तो थोड़ा ही लें, 10 से 15% अभी लें और वेट करें कि आपको जो है निचले स्तर पर मिल जाए ये स्टॉक। ठीक, इस बीच जिंदल वर्ल्ड वाइड पे खबर है, और जिंदल वर्ल्ड वाइड के भी शेयर में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, इस गिरते बाजार में भी शेयर में 5% से ऊपर की तेज़ी यहाँ पर बढ़त जो है बनी हुई है। यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पे बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट की तरफ से यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी गई है, शेयर में ब्रेकआउट की बात कही जा रही है तकनीकी विशेषज्ञों की तरफ से, शेयर अपने 200 डे के SMA के ऊपर चल रहा है, सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर काम काज कर रहा है। सर एक टेक्निकल ब्रेकआउट है सोमवार को, अब हम देख रहे हैं आज सुबह जब हमने इस स्टॉक को चुना था तब 3% के आसपास की तेज़ी थी, अब करीब 5.6% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, 415 के आसपास चल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर, 1 महीने के अंदर 30% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है, और पिछले 6 महीने में 35% चला है, अभी यहाँ पे और अपसाइड बचा हुआ है क्या सर? मोमेंटम डेफिनेटली अच्छा है स्टॉक में, और हो सकता है कि 450 तक चला जाए स्टॉक मोमेंटम में, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो है कंपनी रिचली वैल्यूड है, तो ऐसी कंपनियों में आपको स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट लगा के रखने चाहिए जब कभी भी आप अगर कोई भी पोजीशंस लेते हो, क्योंकि मार्केट जब कभी भी रिकग्नाइज करता है कि कोई चीज़ अहेड ऑफ वैल्यूएशन चली गई है तब उसको करेक्ट करने लगता है, और उस समय आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 3-5% जहाँ भी आपने लिया हो
वहां पर लगा के रखें, और ये स्ट्रेटेजी में आप कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम दिख रहा अभी हाई है और स्टॉक में हो सकता है कि आने वाले टाइम पे कुछ गेन हो जाए, लेकिन वैल्यूएशन एट द सेम टाइम इज क्वाइट हाई। कैंपस एक्टिवेयर जरा लेकर के आइए। आज सुबह यहाँ पर अच्छी तेजी थी, हालांकि ऊपरी स्तरों से अब शेयर थोड़ा हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का सिक्वेंशियल बेसिस पे अगर हम देखें तो मुनाफा काफ़ी अच्छा बढ़ा है, हालांकि अगर पिछले साल के मुकाबले अगर कंपनी के मुनाफे की तुलना करें तो वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। कंपनी के जो नतीजे रहे हैं चौथी तिमाही के मुकाबले, कंपनी का मुनाफा 37% बढ़ा है और ये बढ़ करके 31.48 करोड़ रुपये रहा। कंपनी की अगर आय की बात करें तो ये 337 करोड़ से बढ़कर 353 करोड़ रुपये के आसपास रही है। हालांकि शेयर के अंदर पिछले कई समय से हम देख रहे हैं बहुत सुस्ती देखने को मिली है सर। आज जरूर ये 3% से ऊपर की तेजी ये शुरुआती कारोबार में दिखा रहा था, अभी करीब 2% ऊपर है, 294-295 का भाव देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर इस शेयर पर नजर डालें तो 7% का निगेटिव रिटर्न एक महीने में, 27% का नेगेटिव रिटर्न जो है इस महीने 6 महीने में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, और इस पूरे साल के अंदर करीब 30% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। रिजल्ट्स के बाद कुछ उम्मीद करें, सिक्वेंशियल बेसिस पे तो मुनाफा बढ़ा है लेकिन वाई ओ वाई बेसिस पे अगर हम देखें तो वो अभी भी ऑलमोस्ट फ्लैट है। विपुल जी, अगर आप देखें इसको लिस्टिंग के बाद जो है काफ़ी बड़े वैल्यूएशन मिले थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये चूंकि कैंपस एक्टिवेयर एक एक प्रीमियम सेगमेंट में है इंडियन कंपनी, जो कि कह लें कि रिबॉक या एडिडास से कम्पीट करेगी, लेकिन नंबर्स जो है उतने अच्छे नहीं रहे हैं। अगर पूरे साल का देख लें लिस्टिंग के बाद नंबर्स में उतनी ज़्यादा अच्छी तेजी नहीं आई है। अगर कंपेयर करेंगे आप लिस्टिंग के पहले के नंबर से तो डेफिनेटली उसमें सुधार है, लेकिन मोमेंटम जो नंबर्स में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लास्ट के 2 साल में अगर देखें तो 2022 में 109 करोड़ और 2023 में 117 करोड़ और वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे दिए गए थे इसको। इवन एज ऑन टुडे जो कि एकदम निचले स्तरों पर है, 77 के पी मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रही है कंपनी, तो मुझे लग रहा है कि ये एक वैल्यूएशन गेम है जहाँ पर कि अभी तक वो कैचअप देखने को नहीं मिला है। तो आई विल बी स्केप्टिकल, मैं जरूर इस पर नजर रखाऊं, क्योंकि हो सकता है कि अगर यहाँ पे नंबर अच्छे आने चालू हो जाएं और वो कंटिन्यू करें और इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा हो तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में जगह दी जा सकती है। लेकिन ये फर्स्ट क्वार्टर है जहाँ नंबर में अपटिक देखने को मिला, मुझे लगता है कि थोड़ा जरूर वेट करना चाहिए। और ठीक है, थोड़ा वेट करना चाहिए। चलिए अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं, जमुना ऑटो। यहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, और उसके बाद से फिर जमुना ऑटो में आज हम देख रहे हैं करीब 1.5% के आसपास की तेज़ी बनी हुई है। कंपनी का मुनाफा 32% बढ़कर के 46 करोड़ रुपये के आसपास रहा है। कंपनी की आय पे अगर नज़र डालें तो वो भी बढ़त रही है, लेकिन एबिट्टा जो है एबिट्टा में हमने देखा कि करीब 24.5% का इजाफा देखने को मिला है और ये करीब 70 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। यहाँ पर भी आज हम सुबह से हम देख रहे थे कि अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से शेयर हल्का हुआ है। कंपनी की आय 4.5% बढ़ी है, 559 करोड़ रुपये। कंपनी के अगर हम शेयर पर नज़र डालें तो अभी 1.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है, तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। ये भी शेयर सर कैंपस एक्टिवेयर की तरह कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, एक महीने में 1% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। थोड़ा सुस्ती यहाँ पर रही है, पूरे साल भर में देखें तो 3% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला, अभी एक रेंज में ही है। क्या आपकी क्या सलाह रहेगी सर, 111 के आसपास चल रहा है जमुना ऑटो? मुझे लगता है कि आपको इसमें ज़रूर देखना चाहिए। जमुना ऑटो में जिस तरह से ग्रोथ एसेट्स में तकरीबन 150 करोड़ रुपए कंपनी डाल रही है, और अभी कुछ डाल दिया है, कुछ और CWIP में है कंपनी के, तो आने वाले टाइम पे प्रॉस्पेक्ट अच्छे मुझे लगते हैं कि होने चाहिए। TTM बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे तो इसमें ऊपर की तरफ ही नंबर हमें दिख रहे हैं, 177 करोड़ के आसपास, तो नंबर्स के लिहाज से धीरे धीरे कैचअप डेफिनेटली है कंपनी के इसमें, लेकिन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिहाज से मुझे लगता है कि इस कंपनी को आपको देखना चाहिए। इस स्तरों पे या फिर यहाँ से भी कोई करेक्शन होता है तो एक अट्रैक्टिव प्रीपोजिशंस अपने पोर्टफोलियो के लिए बन सकता है इस स्टॉक में। चलिए अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और ये कंपनी जो है काफ़ी लंबे समय से जो है बहुत सुस्तियाँ यहाँ पर सुस्ती देखने को मिली, कोविड में बड़ा नुकसान हुआ, सारे थिएटर बंद कर दिए गए थे, लेकिन जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पे गदर गदर मचा रही है उससे एक बार फिर से यहाँ पर ऊर्जा आती हुई दिखाई दे रही है। और पिछले अगर हम 3 दिन के अंदर फ्राइडे सैटरडे और संडे में 134 करोड़ रुपए का कारोबार जो है अकेले गदर ने किया है।
ओएमजी 2 भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जितने थिएटर उसको मिले हुए हैं उसके मुकाबले, और हर फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों जगहों पर उसका भी बिजनेस जो है हर दिन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा दक्षिण भारत के अंदर जेलर रजनीकांत की फिल्म आई है, वहाँ पर काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स जो है देखने को मिल रहा है। तो इन तीनों फिल्मों की शानदार कमाई से जो है हम देख रहे हैं, आज जब हमने खबर बनाई थी तब 2% के आसपास की तेज़ी थी, और अब जो अगर हम PVR के शेयर पर नहीं डालें 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। और आज सर एक और इंटरेस्टिंग खबर, अभी मैं देख रहा था कार्यक्रम से पहले, कि जो मल्टीप्लेक्सेस एसोसिएशन है उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि 3 दिन के अंदर जितनी कमाई हुई है 390 करोड़ रुपए की, वो भारतीय फिल्मों के 100 साल के इतिहास में ये पहला मौका है कि 3 दिन के अंदर 390 यानी ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपए की कमाई मल्टीप्लेक्सेस की तरफ से की गई है। शानदार इनकी वजह से शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपकी राय क्या है सर, और आपने कोई मूवी देखी कि नहीं इनमें से? विपुल जी, मैं मूवी बहुत कम देखता हूँ, मतलब मुझे ध्यान नहीं है लास्ट कब मैंने देखी होगी मूवी, पता नहीं, मुझे मूवी का उतना शौक नहीं है, बट सुनता हूँ पढ़ता हूँ डेफिनेटली इनके बारे में। PVR और आईनॉक्स के बारे में अगर आप इनके बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि पूरी मतलब पूरे इंडिया में अगर आप देखें, पैन इंडिया जो बिजनेसेस पहले लोग किया करते थे एज ए मूवी ऑपरेटर, वो एक सिंगल किसी बिल्डिंग में या फिर कहीं होता था। अब धीरे धीरे एटलीस्ट हम अपने शहर में जहाँ भी देखते हैं वो सारे बिजनेसेस धीरे धीरे खत्म हो गए, लुप्त प्राय हो गए हो रहे हैं, और ये बिजनेस जो है चूंकि मॉल में चलते हैं और इनके बिजनेसेस में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है, जो कि स्टैंड अलोन सिनेमा हॉल्स के बिजनेस को इन्होंने पूरा ले लिया, और कोविड में ये सबसे ज़्यादा हिट भी हुए थे क्योंकि मॉल्स और कह रहे हैं कि ये जो बिजनेस है सिनेमा हॉल का वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था। लेकिन दो कंपनियां अब मर्ज कर गई हैं एक दूसरे के साथ और एक मोनोपोली बिजनेस हो गया है, तो डेफिनेटली जिस तरह से आप बता रहे हो कि ये एक पूरे सदी में सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो कुछ कम दिनों के अंदर कमाया गया है, और उसका लाभ इनको ज़रूर मिलेगा। इन कंपनियों के अगर ऑपरेशंस को देखेंगे तो नेट प्रॉफिट लेवल पर ज़रूर इनको लॉस है, लेकिन अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, क्योंकि ये कंपनियां बहुत बड़े मॉल्स में बहुत जगह ऑपरेट करती हैं, जो कि प्रॉपर्टी इनको लेनी पड़ती है, लीज रेंटल होता है, जिसके कारण कि इनके बुक्स में आपको दिखेगा कि लॉस है, लेकिन ऑपरेटिंग बहुत अच्छी प्रॉफिट है। जैसा आप बता रहे हो कि इतना ज़्यादा बिजनेस इनको हुआ है और इतनी कंपनी, 3-3 मूवीज आई हैं, मुझे लगता है कि इसका जो है कौशी मतलब परोक्ष रूप से जो फायदा होगा वो इन्हीं कंपनियों को होगा, और आने वाले दिनों में मैं काफी बुलिश हूँ इस सेक्टर पे, क्योंकि इवन OTT के बाद भी ये इनके बिजनेस रहने वाले हैं, क्योंकि फील गुड फैक्टर या फिर आप जब कभी भी सिनेमा हॉल में जो मूवी देखते हो उसका जो लुत्फ आप लेते हो शायद आप मोबाइल्स पे या घर में बैठ के नहीं ले पाते हो, तो ये चीजें रहेंगी लॉन्ग टर्म के लिहाज से, और मुझे लगता है कि इसमें किसी भी गिरे भाव पे आपको जरूर पोजीशन लेनी चाहिए। सर अभी 1400-1500 से चलना शुरू हुआ, अब 1700 का लेवल क्रॉस कर चुका है, आप यहाँ पर फ्यूचर में क्या लक्ष्य आपके लिहाज से दिखाई आते हुए दिखाई दे रहे हैं? और दूसरा ये भी जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया बिल्कुल मोनोपोली बिजनेस है, क्या भविष्य में इस सेक्टर में आपको लगता है कि और ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड होंगी, क्योंकि चेन तो बहुत सारी हैं और लेकिन लिस्टेड कंपनियों की संख्या बहुत सीमित है यहाँ पर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनको एटलीस्ट जो है चेन जो भी है इन ये कंपेरेबल नहीं है इनके चेन जितने भी हैं, और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे, क्योंकि अगर बिजनेस अच्छा आप करते हैं तो जो छोटी कंपनियां हैं वो मर्जर और एक्विजिशन का टारगेट हो जाती हैं, तो वो भी ये कंपनियों ने काफ़ी किया है पिछले दिनों में, और आने वाले टाइम पे इनका रेलिवेंस बढ़ते ही जाएगा, और लोग जब तक कि आप मूवीज या सिनेमा हॉल जाना नहीं छोड़ते हो तब तक मुझे नहीं लगता कि इन कंपनियों में जो है इन कंपनियों का बिजनेस में कुछ होने वाला है। और ध्यान रखें कि इन कंपनियों में जो बिजनेस है वो केवल मूवी का ही नहीं है, ये एक तरह से रेस्टोरेंट भी चलाते हैं, आप जब मूवी में जाते हो सिनेमा हॉल में जाते हो तो वहां पर आप देखो जो भी खाते हो तो इनके सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ देयर रेवेन्यूज कम फ्रॉम दी जो है वो रेस्टोरेंट बिजनेस से भी आता है, जहाँ पर कि आप पॉपकॉर्न खाओ, पेप्सी लो, कुछ भी तरह की चीज़ें आप खरीदते हो वो इनकी कंपनी से ही आप खरीद रहे हो, जो कि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ये एक इंटीग्रेटेड मॉडल है जहाँ पर कि मुझे लगता है कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आने वाले टाइम पे अच्छा करेगा।
अच्छा करेगा, तो यहाँ पर कोई भी आपको मौका मिले तो आप खरीदारी कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं 5% से ज़्यादा की तेजी पीवीआर के अंदर बनी हुई है, कारण आपको बता दिया हमने और करना क्या है ये आपको संतोष जी ने बता दिया।